नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। बता दें, दिल्ली में एक दिन में कोविड के 27,561 नए मामले सामने आए हैं, जो अब तक एक दिन के संक्रमण के मामलों की दूसरी सर्वाधिक संख्या है। अगर बात करें मौतों की, तो संक्रमण से 40 लोगों की मौत भी हुई है। देश भर में गेहूं की बुवाई रवि सत्र साल 2021 से 2022 में अब तक मामूली गिरावट के साथ 336.48 लाख हेक्टर रही है, जिसको देख कृषि आयुक्त एसके मल्होत्रा ने कहा कि सत्र के दौरान ये गिरावट एक अच्छा संकेत है, क्योंकि अब किसान तिलहन की ओर रुख कर रहे हैं और तिलहन की खेती में वृद्धि से देश को काफी मदद मिलेगी, जो खाद्य तेल आयात पर निर्भर है। चीनी बनाने के लिए जब रसायनों का इस्तेमाल किया जाता था, तब उस चीनी के उपयोग से बहुत से दुष्प्रभाव भी होते थे। इसी प्रभाव की वजह से वैज्ञानिक काफी समय से प्राकृतिक विकल्प की तलाश कर रहे थे, लेकिन अब स्टीविया नाम के एक पौधे ने उनकी तलाश पूरी कर दी है। बता दें, ये पौधा आम शक्कर से 25 गुना ज्यादा मीठा है और स्टीविया की खोज के बाद अब शुगर और दूसरी बीमारियों के विरुद्ध उम्मीद जगी है। यही वजह है कि किसान स्टीविया की खेती पर ज्यादा जोर देने लगे। मध्य प्रदेश सरकार ने बांस की खेती को बढ़ावा देने की कोशिश शुरू कर दी है। बता दें, विशेषज्ञ इसे किसानों के लिए हरा सोना बता रहे हैं। ऐसे में वन विभाग के प्रमुख सचिव अशोक वर्णवाल ने कहा कि बांस की खेती अन्य फसलों की तुलना में सुरक्षित और अधिक लाभदायक है, और बताया कि इसकी फसल को एक बार लगाने के बाद कई साल तक उत्पादन प्राप्त हो सकता है। बता दें, बांस की फसल में खर्च कम होने के साथ मानव श्रम भी बहुत कम लगता है और इसकी खेती पर किसानों को प्रति पौधा 120 रुपए की सरकार से मदद भी मिलेगी। हरियाणा की एक किसान धर्मवीर कंबोज फूड प्रोसेसिंग मशीन का निर्माण करते हैं। उनके पास इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट की डिग्री ना होने के बावजूद उनकी मशीनें इतनी अच्छी हैं कि उन्हें मशीनों के विदेश से ऑर्डर भी आते हैं। आपको बता दें, अभी तक उन्होंने 15 देशों में इन मशीनों का निर्यात किया है। यह मशीन उनके साथ साथ 8,000 लोगों के कमाई का जरिया भी बन गई है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट 1 फरवरी साल 2022 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पेश करने वाली है। ऐसा माना जा रहा है कि इस बजट में सरकार किसानों को बड़ी सौगात दे सकती है। आपको बता दें, सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को दी जाने वाली सालाना राशि में बढ़ोतरी कर राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 8,000 रुपये कर सकती है। राजस्थान के गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी है। प्रदेश में अब गन्नों का रेट 50 रुपये बढ़ा दिया गया है, जिसके चलते राजस्थान में 360 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से शुगर मिल किसानों से गन्ने की खरीद करेगी। बता दें कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बाद अब राजस्थान सरकार ने भी गन्ने के दामों में वृद्धि कर दी है। दरअसल, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गन्ना उत्पादक किसानों के हित में महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पेराई सत्र साल 2021 से साल 2022 के लिए राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल द्वारा गन्ने की खरीद मूल्य में 50 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि को मंजूरी दे दी है। पहाड़ों में बर्फबारी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार कई दिन से हुई बारिश के बाद ठंड पहले से ज्यादा बढ़ गई है। तो वहीं कोहरे और बादलों ने दिल्ली एनसीआर सहित पूरे उत्तर भारत को ऐसा घेरा कि अधिकतम तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है, जिसकी वजह से मौसम विभाग ने इसे कोल्ड डे की संख्या दे दी। इसी तरह की अन्य जानकारी के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।